तो साथियों, मैं वो सीरीज लेकर आ गया हूं जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, उत्तर प्रदेश जीएस जीके की एक ब्रह्मास्त्र सीरीज। साथियों, आज के इस यूपी जीएस जीके के इस ब्रह्मास्त्र सीरीज का हमारा आज का ये सातवां प्रैक्टिस सेट है। साथियों, आज के इस सातवें प्रैक्टिस सेट में हमने सिर्फ वही प्रश्न रखे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में दो बार, तीन बार या उससे अधिक बार रिपीट हुए हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको अंत तक देखने पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का, उसमें ये सीरीज कितना बड़ी भूमिका निभाने वाली है। साथियों, ये खास बात ये है, ये सीरीज आपको किस हद तक कितना लाभ पहुंचा सकती है, तो आप ये समझ लीजिए। आप जब इस सीरीज को, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे जो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, तो आपको पहला अंदाजा ये लगेगा कि आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। यूपीपी के एग्जाम में प्रश्न कहां से बनते हैं, किस लेवल के बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं, ये आइडिया आपको बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। दूसरी बात साथियों, जो रिपीटेड प्रश्न, हर साल कई सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। अगर प्रश्न रिपीट हुआ, हालांकि रिपीट होने के चांस बहुत होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, तो रिपीटेड प्रश्न अगर आता है तो यहां से आपको दो चार पांच प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तीसरा लाभ आपको ये होगा साथियों इस सीरीज से कि जैसे हमने जो पुराने प्रश्न, कई सारे जो पुराने प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, तो उन्हीं के आधार पर हमने कुछ नया प्रश्न बना दिया है। इन नए प्रश्नों को भी, जो अगर उन्हीं के आधार पर कुछ नया प्रश्न बनाया यूपीपी ने, तो आपको यहां से भी देखने को सवाल मिलेगा। तो कुल मिलाकर साथियों, ये सीरीज आपके लिए रामबाण होगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी सीरीज है इसका अवलोकन अच्छे से करेंगे तो एग्जाम हाल में साथियों आप अपने आप को जो है मजबूत पाएंगे। आपके अंदर एक बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट के अंदर साथियों एग्जाम हाल में अगर आत्मविश्वास, अच्छे सकारात्मक आत्मविश्वास आ गया, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, तो आप जो है जो दुविधा वाले प्रश्न होते हैं, ऐसे भी प्रश्नों को आप सही कर ले जाएंगे। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप आता हुआ प्रश्न गलत करके आएंगे। ये होती है सकारात्मक आत्मविश्वास की ताकत। तो चलिए साथियों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। एक एक प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और सही थोड़ा सा समय देंगे तो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो साथियों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यूपीपी के कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिलते हैं, यानी दोनों मिलाकर बताना है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए हो जाएगा 9 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो साथियों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, कुल राज्यों की अगर बात करें तो कुल राज्य जो है 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, और यूटी की बात करें तो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। वो केंद्र शासित प्रदेश क्या है साथियों, दिल्ली है। तो दिल्ली है, तो कुल मिलाकर 9 पड़ोसियों से सीमा साझा करता है अपना उत्तर प्रदेश जो है, एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य। इन 8 राज्यों की अगर हम लोग साथियों बात कर लें, तो 8 राज्य क्या हो सकता है हमारा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया साथियों। आप ध्यान देंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, 4 ये हो गया। और उसके बाद साथियों ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और साथियों ये जो अपना बगल में एक हरियाणा है वो हो गया HR, ये हरियाणा में लिख दिया। तो साथियों यही 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, जो कुल 9 हो गए। तो विकल्प नंबर ए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है साथियों हमारा, देखें, कह रहा है दूसरा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा उत्तराखंड से सटी हुई है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो दिए हुए विकल्पों में कि वो उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहा है। तो यहां पर साथियों गाजीपुर तो है नहीं, गाजीपुर एकदम पूरब में है, ये तो है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। महाराजगंज भी ये पूर्वांचल का हिस्सा है, हापुर तो पश्चिमी यूपी का है, तो बचता है आपका एक सहारनपुर। सहारनपुर साथियों ये जो उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, तो विकल्प नंबर हमारा ये बी हो जाएगा, सहारनपुर। तो साथियों ये है तीसरा प्रश्न, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम गंगा नदी प्रवेश करती है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है। तो आपको मालूम होगा साथियों, उत्तराखंड से बहते हुए जब गंगा नदी आती है
उत्तर प्रदेश में जब सबसे पहले घुसती हैं तो उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला होता है। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, बीबी बीबी तो आपको याद रहेगा आसानी से, ये बीबी याद रखेंगे तो हमेशा दो प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। एक तो बिजनौर, बी से ये क्या हो गया साथियों, बिजनौर, ये बिजनौर में गंगा नदी सर्वप्रथम इंटर करती है, उत्तराखंड से निकलती है तो बिजनौर में घुसती है, फिर यूपी के कई सारे जिलों से होते हुए ये बलिया से निकलकर तुरंत बिहार में घुस जाती है, यानी बलिया वो लास्ट जिला है जहां से गंगा नदी यानी उत्तर प्रदेश को छोड़ती है। तो बिजनौर और ये बलिया, इन दोनों को याद रखिएगा, बिजनौर में इंटर करती है सबसे पहले और बलिया में सबसे लास्ट में बलिया उत्तर प्रदेश को छोड़ती है, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न में साथियों, क्या है चौथा प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला क्या है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला साथियों ये शामली है, तो विकल्प नंबर यहां हमारा बैठा है सी, बलिया सबसे पूर्वी जिला सबसे ईस्ट में है और ये शामली सबसे वेस्ट में है। तो इन चीजों को, इन दोनों को याद रखिएगा, अगर दोनों भी अलग अलग पूछेगा तो कंफ्यूज ना होइएगा, बलिया शामली सबसे ईस्ट, बलिया सबसे वेस्ट शामली है। तो आगे चले हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है साथियों, पांचवें में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से है। तो उत्तर प्रदेश में साथियों गोमती नदी का उद्गम भी मैदानी भाग से होता है, वरुणा का भी मैदानी भाग से होता है, पांडो का भी मैदानी भाग से होता है। मैदानी भाग से उद्गम होने का साथियों ये अर्थ है कि ये किसी पहाड़ पठार या फिर ग्लेशियर से इसका उद्गम नहीं होता है, ये मैदानी भाग से होता है। जैसे गोमती नदी का ये होता है ना, पीलीभीत में एक मैदानी झील से होता है, फुलहर झील से, तो ऐसे ही मैदानी की भाग कर रहा है, मैदानी भाग से उद्गम होने वाली नदियां ये तीनों है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बहुत बढ़िया, आगे हम लोग चलते हैं देखते हैं क्या है हमारा छठवां प्रश्न में। छठवां प्रश्न में साथियों हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी के बाएं किनारे, गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं। तो साथियों रामगंगा भी गंगा नदी के बाएं पर आकर मिलती है, गोमती नदी भी गंगा नदी के बाएं तट पर आकर गंगा नदी से मिलती है, तो विकल्प नंबर यहां हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा सी है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग सातवां में, हमसे क्या पूछ रहा है साथियों, सातवां कह रहा है तीन नदियों का संगम जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, तीन नदियों का संगम जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। साथियों प्रयागराज जिसे हम लोग संगम के नाम, संगम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती, हालांकि सरस्वती इस समय लगभग अदृश्य हैं, आप केवल गंगा यमुना का मिलन ही देख पाएंगे अच्छे से, लेकिन यहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा प्रयागराज, इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, तीन नदियों का संगम। आगे चलते हम लोग आठवां में देखते हैं क्या है आठवें में हमारे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाती है। ऐसी कौन सी नदी है साथियों जो लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाती है, तो साथियों घाघरा नदी विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ये बहराइच और लखीमपुर खीरी के मध्य सीमा साझा बनाती है, सीमा बॉर्डर तय करती है। आगे चले हम लोग साथियों नौवां में देखते हैं क्या है, नौवां में साथियों कह रहा है सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से बहती हुई बिहार राज्य में प्रवेश करती है। तो साथियों उत्तर प्रदेश की ऐसी सोन नदी की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से बहती हुई बिहार राज्य में प्रवेश करती है, तो साथियों ये है सोनभद्र, नौवां विकल्प नंबर बी हो जाएगा, सोनभद्र से, सोनभद्र से ये सोन नदी बिहार में इंटर करती है, तो ये हो जाएगा हमारा ये विकल्प नंबर बी सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र का, ये सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है सबसे दक्षिणी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, ये सब प्रश्न, ये सब चीजों को याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं दसवें में देखते हैं क्या है, दसवां में कह रहा है साथियों ऊपरी गंगा नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, दसवां में ये पूछ रहा है साथियों, तो दसवें में साथियों ये 1942 में किया गया था, विकल्प 1842 में, तो ये विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, 1842 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया था। आगे देखें हम लोग ग्यारहवां में, तो साथियों यहां पर एक स्लाइड हमने लगाई है, तो पहले लगाना चाहिए था, छूट गया, बहुत लोगों को ये कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के नाम का ऐतिहासिक परिवर्तन। आज हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये
पहले इसका क्या नाम था, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए हमने इस स्लाइड को लगा दिया है। आपके जो यूपी पीसीएस होता है, आरओएआरओ, उत्तर प्रदेश पुलिस, विभिन्न उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो उत्तर प्रदेश जब अपने अस्तित्व में आया तो 1836 से इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा। क्या नाम पड़ा साथियों? उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से, और ये 1877 तक यही नाम चलता रहा, उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1877 में साथियों इसके नाम के आगे अवध जोड़ दिया गया, यानी उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। तो 1877 में क्या पड़ गया नाम इसका? उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। फिर ये 1902 तक ऐसे चलता रहा। 1902 के बाद साथियों 1902 में क्या किया गया कि उत्तर पश्चिम प्रांत हटाकर, ये उत्तर पश्चिम प्रांत है, इसे हटाकर आगरा लगा दिया गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। तो विकल्प ये जो है 1902 में क्या कर दिया गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत ये नाम कर दिया गया इसका। और फिर ये 1937 तक ऐसा चलता रहा। 1937 में फिर परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया 1937 में? केवल संयुक्त प्रांत रहने दिया गया और बाकी सबको हटा दिया गया। तो संयुक्त प्रांत 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा। फिर साथियों आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का एक नया नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। जो उत्तर प्रदेश आज जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए आज हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो ये आपको आइडिया लग गया, हाँ उत्तर प्रदेश के नाम में आज जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसका ऐतिहासिक परिवर्तन क्या रहा इसके नाम का। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 11 वाले में देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा, यानी कोई आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर क्या है, तो वो शारदा नहर है। शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था साथियों? तो इसका निर्माण 1920 में किया गया था। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, शारदा नहर का नाम, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, इसका निर्माण 1920 में किया गया था। आगे चले हम लोग देखते हैं 12वें में क्या है साथियों। ये सब जो प्रश्न है साथियों सिर्फ यूपीपी में तो रिपीट हुए हैं, ये कई बार यूपी पीसीएस आरओ यारो जैसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नाम लगा दिया है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न होते हैं, आप उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं लगभग उनका लेवल यही सेम ही होता है। तो 12वां का क्या है, खारा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? खारा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है साथियों? तो ये है सहारनपुर, विकल्प नंबर ए, जो उत्तर प्रदेश का सबसे जो है उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला पूछता है, सबसे उत्तरी। आगे देखें हम लोग क्या है हमारा 13 वाले में, 13 में साथियों देखें हमारा क्या है, ये दिया है एक तरफ बांध दे दिया, देखो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तरफ बांध दे दिया है, एक तरफ नदी, और कह रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी बांध और नदी का मिलन कौन सा सही नहीं है, मिसमैच है, उसे आप पकड़ लीजिए। तो देखें ये परीक्षा बांध जो है साथियों ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये बात तो सही है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। ये मेजा जो है मिर्जापुर में है, ये बन रहा है इस समय, लगभग बन के तैयार है। और मेजा जो है ये बेलन नदी पर बनाया जा रहा है, ये भी सही है। और शारदा सागर ये चौबा नदी पर है, ये भी सही है। तो ये तीनों जब सही है साथियों तो हमें पता हो जाना चाहिए हाँ यही गलत होगा, जो हम तीन कंफर्म है आइए सही है। तो अहरौरा बांध जो है साथियों ये मिर्जापुर में है, और मिर्जापुर में गरई नदी पर बनाया जा रहा है, सहजाद नदी पर नहीं, गरई नदी पर मिर्जापुर में। तो याद रखिएगा ये गलत दे दिया था, तो डी वाला ही गलत है, हमने गलती को पकड़ लिया, हाँ डी वाला गलत था, मिसमैच था। आगे देखते हैं हम लोग 14 वाले में क्या है, 14 वाले में साथियों हमारा क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी और जालौन में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यानी उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यानी झांसी और जालौन बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, तो झांसी और जालौन में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो साथियों वहां पर मार या उसी का एक अलग नाम है, भाड़ मृदा पाई जाती है। विकल्प नंबर डी, ये मृदा जो है काली मिट्टी की तरह होती है, जो है काली मिट्टी ही की तरह ही होती है ये भाड़ या मार मृदा, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, खास करके झांसी और जालौन क्षेत्र में। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम लोग 15 में क्या पूछा जा रहा है, 15 में साथियों पूछ रहा है खादर या कछारी मृदा, खादर या कछारी मृदा ये कैसे बनती है? खादर मृदा जो हर वर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण जो नई मिट्टी आती है ये बहुत ही उपजाऊ होती है, इसका एक उल्टा होता है बांगर, वो उपजाऊ नहीं होती है। तो ये खादर या कछारी दूसरा नाम है इसका, कछारी मृदा।
में किस प्रकार किस पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो साथियों इसमें किस पदार्थ की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जबकि इसमें चूना मैग्नीशियम पोटास ये तीनों भरपूर रहते हैं, लेकिन नाइट्रोजन इसमें कमी पाई जाती है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। आगे हम लोग देखें 16 वाले में, साथियों इस 16वें में क्या हमसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। तो ये बात ये प्रश्न तो साथियों आ गया था, पहला ही प्रश्न था, लगता है ये दूसरी बार प्रश्न टाइप हो गया है, तो नौ मैंने पहले ही पहला प्रश्न ही यही था कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से यूपी की सीमा साझा करती है, यानी यूपी अपने कुल 9 पड़ोसियों से सीमा साझा करता है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 17 में क्या है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो नोएडा उत्तर प्रदेश के साथियों गौतम बुद्ध नगर में है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, 17 का ए हो जाएगा, ये जो गौतम बुद्ध नगर, जो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहां पर साक्षरता सबसे अधिक है। अगर साक्षरता पूछे कहाँ है सबसे ज्यादा, गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध के नाम का है, तो उसी से याद कर लीजिएगा आप लोग। और यह कहाँ है, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिला है और जिले में ये नोएडा उसका एक शहर है। आगे देखें हम लोग 18 में साथियों हमसे क्या पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, ये मैंने कई बार आपको बता शुरुआत में ही अभी बताया था, आया था ये सबसे पूर्वी, जैसे ना ऐसे मैं थोड़ा सा एक लाइन बना दूं तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ये सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पश्चिमी जिला। सबसे पश्चिमी जिला साथियों मैंने बताया था ये शामली है, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे पूर्वी जिला मैंने बताया था बलिया, बलिया सबसे पूर्वी जिला, और ये सबसे दक्षिणी जिला साथियों सोनभद्र मैंने बताया था, साउथ से सोनभद्र, ऐसे याद लिए यस से साउथ, यस से सोनभद्र, सोनभद्र, और यन से साथियों सहारनपुर, सहारनपुर, तो इन चीजों को याद रखिएगा, मैंने बता दिया, तो सबसे पूर्वी क्या हो जाएगा साथियों, बलिया, विकल्प नंबर ए, बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग 19 में देखते हैं क्या है, 19 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से कितने उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगती है। ऐसा कौन सा राज्य है साथियों जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो मैंने अभी बताया था प्रश्न में कि राजस्थान से भी लगती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा है किससे नहीं लगती है, राजस्थान से तो लगती है, ये गलत हो गया, पंजाब से नहीं लगती है साथियों, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि राजस्थान से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, यही पंजाब से नहीं लगती, तो विकल्प नंबर यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है किससे नहीं लगती, पंजाब से नहीं लगती है। आगे चले हम लोग 19 का देखते हैं, ये 19 हो गया, 20 में देखते हैं, तो 20 में साथियों क्या हमसे पूछ रहा है, भौतिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। तो साथियों आरोही क्रम आपको बताना है ये इसमें, तो आरोही क्रम आप क्या बताएंगे, तो साथियों देखें आरोही क्रम मतलब भौतिक क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा क्षेत्रफल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस करके बताना है। तो हम अगर सबसे छोटा देखते हैं तो साथियों सबसे छोटा क्षेत्रफल हमारा हापुड़ है, हापुड़ एक नंबर पे है, नहीं है। दूसरा सबसे छोटा क्या है साथियों हमारा, दूसरा सबसे छोटा हमारा गाजियाबाद है, वो भी नहीं है। तो तीसरे पर हम जाएंगे, तीसरा सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, तीसरा सबसे छोटा साथियों भदोही है, जो कहीं कहीं संत भदोही, हाँ भदोही है तीसरा, वो भी नहीं है। तो चौथा साथियों हमारा एक ये बागपत हो जाएगा, फिर ये हो जाता है हमारा पांचवा, ये गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर हमें मिल गया, तो सबसे पांचवा सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर है, तो इसी से हम अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि पहले जो दिया है बाराबंकी मिर्जापुर सोनभद्र इन सब में सबसे छोटा गौतम बुद्ध नहीं है, तो इसी से हम पता लगा लिए हाँ सबसे छोटा ये है और इसके बाद सबसे बड़े होंगे, तो यानी बढ़ते क्रम है, तो यही होगा, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, वैसे सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा हापुड़ है, याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग क्या है 21 में साथियों हमसे पूछ रहा है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिला है, अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, एस से साउथ, एस से सोनभद्र, ये कुल 4 राज्यों को सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से, एक तो हो जाएगा साथियों बिहार, दूसरा झारखंड, ये तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा एमपी,
तो ये चार राज्यों से उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र सीमा साझा करता है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग। 22 देखते हैं क्या है। 22 में साथियों हमसे पूछ रहा है, ये सब के सब प्रश्न पूछे गए हैं साथियों विभिन्न एग्जाम में, यो उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, आरओ एआरओ का हो, यूपी पीसीएस का हो, सब में पूछा गया है ये प्रश्न, तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करिएगा। तो देखें क्या है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श करता है? तो लखनऊ जिले का, लखनऊ ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये एक बार यूपी पीसीएस और यूपी पुलिस आरओ एआरओ ये भी तीनों एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा साथियों, लखनऊ लखनऊ की जो सीमा है अपने 5 क्षेत्रों से सीमा साझा करता है, उसका एक ट्रिक भी होता है, आर से रायबरेली राम, फिर सीतापुर राम सीता की बारात, बारात से आ जाएगा साथियों बाराबंकी, राम सीता की बारात, तो ये बाराबंकी हो जाएगा। फिर अगला क्या है, हरदोई आ जाएगा, फिर अगला क्या है, उन्नाव आ जाएगा, उन्नाव। तो यही जो है 5 क्षेत्रों से जो है ये जो है ये सीमा साझा करता है, लखनऊ अपने 5 जिलों से सीमा साझा करता है, तो इसमें बलिया कहीं नहीं आया, तो बलिया विकल्प नंबर ए हो जाएगा कि इसके साथ सीमा नहीं साझा करता, बलिया के साथ। बलिया तो पूरब में है, वैसे भी दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो सबसे पूर्वी जिला है और लखनऊ तो बीच में है लगभग, तो ये हो जाएगा, इसको याद रखेंगे तो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। राम की बारात गई, ऐसे करके आप ट्रिक बना सकते हैं। तो 23 में क्या है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है? तो साथियों यहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों के नाम दिया गया है और कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा साथियों कौन हो क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो साथियों यहाँ पर वाराणसी है, 7वां सबसे छोटा जिला है वाराणसी, और 5वां तभी मैं बताया था सबसे छोटा, 5वां सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर, 7वां सबसे छोटा क्षेत्रफल के मामले में वाराणसी है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, 23 का ए हो गया। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग 25 में, 24 में देखते हैं क्या है। अब देखिए साथियों भौतिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम पूछ लिया है, यानी अब बढ़ते से घटते क्रम बताना है, यानी सबसे बड़ा पहले होना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो साथियों गौतम बुद्ध नगर तो नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है, तो यहां पर साथियों क्या हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध नगर तो ये तो नहीं होगा क्योंकि गौतम बुद्ध नगर वाराणसी से छोटा है, ये तो नहीं हो सकता, तो इसमें से क्या होगा साथियों, वाराणसी वाराणसी से छोटा गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर से छोटा बागपत है, और बागपत से छोटा संत रविदास नगर है, संत रविदास का एक नया नाम भदोही है, ये भदोही है, तो यही विकल्प नंबर डी हमारा सत्य है, इसी को याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग, आगे में साथियों 25वें में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम लगाइए। तो साथियों कुछ जिलों के नाम आपको दिया गया है और इन्हीं जिलों को हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप बता दीजिए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो कौन सा सेट हमारा बनेगा। तो साथियों बहुत बढ़िया, तो देखते हैं हम लोग, सिद्धार्थ नगर ये नेपाल से सटा हुआ है, संत कबीर नगर उसके थोड़ा सा इधर है, ये आजमगढ़ से लगभग आसपास, फिर अंबेडकर नगर, और ये देखेंगे थोड़ा दो ही चीज पर आप ध्यान देना, सिद्धार्थ नगर ये नेपाल से सटा हुआ है सबसे उत्तरी में, और संत रविदास नगर यानी भदोही ये लगभग दक्षिण में है, तो यही सबसे उत्तर सबसे दक्षिण, तो इसी से आप दिमाग लगा लीजिए, और ये दोनों बीच में है, तो यही विकल्प नंबर बी हमारा सही सेट बन रहा है। बहुत बढ़िया, आगे देखें हम लोग, ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि सब चीजें सब लोगों को नहीं आती है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर भी आता है, हाँ ये वहां है ये यहाँ है, तो यही सेट बनेगा हमारा, तो दिमाग लगाना थोड़ा सीखिए, चालाकी सीखा करिए, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन चालाकी से सॉल्व होते हैं, वो दिमाग से या रटने से या याद करने से सॉल्व नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मैंने बताया था लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उसमें सबसे बड़ा यही है। अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा क्या होगा साथियों, सबसे छोटा हापुड़ है, हापुड़ याद रखिएगा इन दोनों को। आगे देखें हम लोग अब, और ये तो सबसे बड़ा जिला हो गया उत्तर प्रदेश का, हापुड़ सबसे छोटा, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा जिसे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं,
इन सभी चीजों को याद रखिएगा ऐसे करके। तो आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रयागराज के साथ मतलब ऐसे आपको जो कुछ प्रचलित जिलों के नाम दे दिया जाएगा, और जैसे लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, ऐसे जिलों के नाम देकर पूछ दिया जाएगा, हाँ बताइए इससे सटा हुआ कौन सा जिला नहीं है। तो साथियों जो ये चित्रकूट भी सटा हुआ है, ये जो है प्रयागराज से, हमारा गृह जनपद जौनपुर भी इसी से सटा हुआ है, और ये संत रविदास नगर यानी जिसे भदोही नया नाम है इसका, क्योंकि माया पहले इसका नाम भदोही था, तो मायावती की सरकार ने इसका नाम संत रविदास कर दिया गया, फिर सपा सरकार आई तो फिर से इसका नाम भदोही कर दी। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं संत कबीर नगर भदोही में। और ये जो सोनभद्र है ये मिर्जापुर से सीमा साझा करता है, प्रयागराज से नहीं करता है। तो 27वां का हमारा ये डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग 28 में, देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो पांचवा सबसे कम क्षेत्रफल यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले के चार यहां नहीं है तो पांचवा ही है। तो पांचवा सबसे कम गौतम बुद्ध नगर है, पहला हापुड़ है, दूसरा गाजियाबाद है, और तीसरा हमारा यहाँ था भदोही, चौथा बागपत, तो ये गौतम बुद्ध नगर पांचवा, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग 29 में, देखते हैं क्या है 29 में। साथियों हमसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकार एवं कैमूर, उत्तर प्रदेश की दक्षिणी भाग की यानी जो एमपी से सटा हुआ है वहां की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकार एवं कैमूर किन जिलों में स्थित हैं। तो साथियों ये किन जिलों में स्थित हैं, तो सीधी सी बात, अगर थोड़ा सा आप यहाँ दिमाग लगाएंगे, पढ़े होंगे, तो मिर्जापुर के आसपास यानी जो एमपी से सटा हुआ है वहीं पर होंगे। तो विकल्प नंबर मिर्जापुर सोनभद्र, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यही है। आगे चले हम लोग, आगे चले क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो साथियों एक जनपद है उत्तर प्रदेश का, सबसे उत्तरी जनपद सहारनपुर है, ये सहारनपुर जो है जो हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ, इन तीनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सहारनपुर, कंफ्यूज न होइएगा। और ये सोनभद्र जो है ये चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो सहारनपुर और सोनभद्र में कंफ्यूज न होइएगा, तो सोनभद्र इन चारों से करता है, सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी सहारनपुर इन तीनों से करता है। आगे चले हम लोग, आगे देखते हैं क्या है हमारा 31 में, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों शामली मैंने पहले ही ग्राफ बताकर ऐसे बता दिया था, ये सबसे पश्चिमी क्या है, ये शामली सबसे पश्चिमी है उत्तर प्रदेश का। आगे देखते हैं हम लोग क्या है 32 में, क्या पूछ रहा है साथियों आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तब तो आप बता देंगे सर पहला है, कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो पहला है, लेकिन ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, इसके दृष्टि से क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे सर पहला सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो पहला राजस्थान का है, और दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, मध्य प्रदेश का है, तीसरा सबसे अधिक किसका है, महाराष्ट्र का है, और चौथा सबसे अधिक क्षेत्रफल यूपी का है। तो याद रखिएगा ये, भूलेंगे नहीं आप, हमें उम्मीद है, चौथा सबसे अधिक यूपी का है। आगे देखते हैं हम लोग 33 में क्या है, पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है। तो साथियों जैसे मान लीजिए अपना ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, तो ये पूर्व से पश्चिम की बात पूछ रहा है, तो ये 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, तो विकल्प नंबर ए। अगर उत्तर से दक्षिण अगर पूछे, तो उत्तर से दक्षिण पूछे तो ये 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, और ये 650 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ अगर पूछे तो 240। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग, देखते हैं क्या है हमारा 34 में क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है।
तो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से कौन सा निर्मित है साथियों? बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक या विंध्याचल, कौन है साथियों? तो ये बुंदेलखंड विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। आगे देखें, बुंदेलखंड का एक और क्वेश्चन पूछता है साथियों आपको कि हाँ बताइए सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो ये बुंदेलखंड में जो एमपी से साइड लगे हुए जिले हैं। आगे देखते हैं 35 में क्या है, निम्नलिखित में से किस जिलों में मार मृदा पाई जाती है साथियों? ये चीज मैंने पहले बताया था, मार मृदा पाई जाती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड के साइड से लगा हुआ है, झांसी, झांसी, जालौन, इन सब क्षेत्रों में ये मार मृदा पाई जाती है, जिसे मार मृदा, कहीं कहीं आपको ऐसे मार मृदा भी लिखा रहता है, तो झांसी में पाई जाती है, जालौन में पाई जाती है, वहीं पर जो काली मिट्टी की तरह होती है। आगे देखते हैं हम लोग 36 में, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो साथियों आप लोग अगर कभी मिर्जापुर गए होंगे तो वहां की पहाड़ियों को देखे होंगे, पूरी लाल लाल है, हालांकि लाल पत्थर जो बलुआ पत्थर ये मिर्जापुर साइड से ही आते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाकर बता देंगे कि मिर्जापुर और झांसी साइड में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। ये कैसे लाल मिट्टी पाई जाती है? तो मिर्जापुर की जो पहाड़ियां हैं उन्हीं का अपरदन हुआ है, उन्हीं की वजह से वहां की जो मिट्टी है वो लाल हो गई है, ऐसा विद्वान बताते हैं। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, 36 का सी। आगे देखते हैं हम लोग, प्रदेश में अवनालिका अपरदन के सबसे अधिक प्रभावित चीज है। अवनालिका अपरदन क्या होता है साथियों? ऊबड़ खाबड़। अवनालिका अपरदन का मान लीजिए इसका अर्थ ऊबड़ खाबड़, जैसे होता है ना, ये मान लीजिए कोई ढलान वाला क्षेत्र है, अब बारिश हुआ यहाँ पर बारिश हुई तो यहाँ के क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, कहीं की मिट्टी कट गई, कहीं की बच गई, कहीं की कट गई, ऐसे जो संरचना बन जाती है इसी के अवनालिका अपरदन कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा इटावा में है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं इटावा हमीरपुर साइड में, 38 में क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तो अभी मैंने बताया था साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र में वहां का वर्षा सबसे कम होती है और तापमान सबसे ज्यादा औसत तापमान पाया जाता है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, बुंदेलखंड क्षेत्र, झांसी ओसी साइड में। 39 में क्या है, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो साथियों जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र विकल्प नंबर क्या है, सॉरी ये प्रश्न हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, प्रश्न में क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। वायु मृदा अपरदन की बात कर रहा है साथियों, तो पश्चिमी हो जाएगा, राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों में वायु अपरदन ज्यादा होता है, हवा के कारण मृदा का कटाव बहुत ज्यादा होता है, इसके कहने का मतलब ये है, तो पश्चिमी क्षेत्र 39 का ए हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं 40 में क्या पूछ रहा है हमसे, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु साथियों ये समशीतोष्ण तो नहीं होगी, थोड़ा सा आपको अगर नहीं आता है तो दिमाग लगा लीजिए, समशीतोष्ण नहीं होगी, यानी समशीतोष्ण का मतलब ठंड ज्यादा पड़ती है, अधिकतर ठंड वाला मौसम, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ ठंड गर्म से लगभग दोनों होता है, समशीतोष्ण भी नहीं होता है, तो समशीतोष्ण मतलब ठंडी गर्मी बराबर, तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी होगा, उष्णकटिबंधीय मानसून होता है यहाँ पर, यानी अच्छी ठंडी भी पड़ती, ठंडी में अच्छी ठंड पड़ती है, गर्म में अच्छी गर्म होती है और बरसात में अच्छी वर्षा भी होती है, तो विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा हमारा, उष्णकटिबंधीय मानसून उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आगे देखें हम लोग 41 में, 41 में साथियों कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। तो साथियों अगर पूछे भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो आप बता देना ये दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से होती है भारत में सबसे अधिक वर्षा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पूछे किस मानसून से सबसे ज्यादा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। और ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी से, ये भारत में ओवरऑल की बात करें तब ये है उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी शाखा, तो ये वाला जो यहां पर है ये भारत की बात है, पूछे भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो उत्तर पश्चिम मानसून, यूपी में बंगाल की खाड़ी। आगे देखते हैं हम लोग, ये देखें 42 में क्या है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो साथियों जो है ये उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल में ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं, धान और आलू, गन्ना, इन सबके उत्पादन के लिए जो यूपी नंबर एक में है
खाद्यान्न उत्पादन में, जैसे गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। इसका सबसे बड़ा कारण यही जलोढ़ मृदा है। तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो आगे चले हम लोग, देखते हैं क्या है हमारा 43 वाले में। इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारणों में से कौन से हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन होता है साथियों, कई तरह से होता है। वो जो है तराई क्षेत्रों में जल प्लावन द्वारा, वनस्पति क्षेत्रों की कटाई के द्वारा, वायु के द्वारा होता है पश्चिमी क्षेत्रों में, यानी सभी डी हो जाएगा। यानी इन सभी कारणों से, जो ये तीन ऊपर के तीन कारण दिए, इन तीनों कारणों से मृदा अपरदन यानी मृदा कटाव होता है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। आगे चले हम लोग 44 में। 44 में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में सामान्यतः क्या होता है। तो साथियों जैसे ये है, पूर्व से हम पश्चिम की तरफ जाएं तो वर्षा में क्या देखना, वर्षा में कमी आती है साथियों, कमी आती है। सबसे ज्यादा वर्षा पूर्व में होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पश्चिम में जाते हैं एकदम कम होती जाती है। राजस्थान साइड वैसे भी दिमाग लगा लीजिए, राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, सूखा जाता रहता है। तो पूरब में गोरखपुर साइड में ज्यादा होती है, तो इसी से थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो पता पा जाएंगे पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा समानतः जो है कम होती जाती है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 45 में देखते हैं, मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो मृदा अपरदन यानी मिट्टी का अपरदन मतलब कटाव, मिट्टी का कटाव का कारण क्या नहीं हो सकता। वायु भी मिट्टी का कटाव है साथियों, हवाएं चलती है तो मिट्टी को काट, जो पश्चिमी साइड है राजस्थान के साइड, वहां से मिट्टी को काट कर उड़ा ले जाती है। वर्षा भी होती है, वर्षा होती है तो मिट्टी की ऊपरी परत कट के निकल जाती है, इससे भी होती है। हिमपात यानी बर्फ गिरते हैं तो भी छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और जो गड्ढे कारण मिट्टी निकलती है वो बह जाती है, ये भी होते हैं। यानी ये तीनों मृदा अपरदन के कारण है, जबकि सीढ़ी नुमा खेती जो है मृदा अपरदन के रोकने का एक तरीका होता है। जैसे बहुत ढलान वाली क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो कृषि की जाती है तो किसी को ऐसे नहीं जोता जाता है, ये ऐसे जोतोगे मिट्टी मिट्टी कटकर और बाहर गिर जाएगी। यहाँ जुताई जो है इस तरह से की जाती है, इस तरह से जोती जाती है, क्योंकि जब बारिश हो तो ये उसको मिट्टी को जो कट के आती है उसको रोकने का काम करेंगे। तो इसी को सीढ़ी नुमा कृषि कहा जाता है। तो ये मिट्टी कटाव यानी अपरदन को रोकने का होती है। यही है डी वाला हमारा गलत हो जाएगा, यानी कौन सा कारण नहीं है। तो सीढ़ी नुमा जो है मृदा अपरदन कारण नहीं है, बल्कि मिट्टा को रोकने का कारण है। आगे देखें 46 में, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो अभी मैंने बताया था बुंदेलखंड साइड झांसी हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। कई बार ऐसी मैंने बात बता चुका हूं। आगे देखें हम लोग 47 में, उत्तर प्रदेश के कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ये मतलब जो ये साउथ वाला है अपना, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है साउथ, मतलब ये सबसे दक्षिणी जिला जो है वहां पर ये पाई जाती है, सिंगरौली क्षेत्रों में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम, किस जिले में यूरेनियम जो है पाई जाती है। तो साथियों ये ललितपुर में पाई जाती है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ललितपुर में विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 49 में, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो साथियों जिप्सम उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, क्योंकि चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, तो ये सब पाए जाते हैं। तो 49 का हमारा ये साथियों, ये नहीं, मैंने गलत बता दिया, ये जिप्सम पाया जाता है, ये अभ्रक नहीं पाया जाता। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, अभ्रक। आगे चलते हैं हम लोग 50 देखते हैं। तो देखते हैं, कह रहा है साथियों उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी साथियों, वो सुचेता कृपलानी बनी थी। और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के भी, भारत में भी पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनने का श्रेय इन्हीं को है। और सरोजनी नायडू को तो मालूम है साथियों, ये इनको दो श्रेय प्राप्त है साथियों। एक तो ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस के जो पार्टी की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला की बात है। अगर केवल महिला रहे तो एनीबेसेंट हो जाएगा, लेकिन भारतीय महिला की बात आएगी तो ये सरोजनी नायडू हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, जो सुचेता कृपलानी हो गया, ये पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत के भी
मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, और मायावती जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही। तो विकल्प नंबर जो है हमारा सी हो जाएगा, सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो साथियों यहाँ पर हमने अपना कुल 50 प्रश्नों का एक बहुत अच्छा सेट तैयार किया था, जो देख लिया, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे, रामबाण होंगे। तो आप जो है जितने भी सीरीज आए उसको आप अवलोकन जरूर किया करिए, क्योंकि हम ऐसे ही प्रश्नों को संकलन ऐसे ही प्रश्नों का एक सेट तैयार करते हैं जो आपके कम समय में बहुत अच्छा लाभ दे। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले, यानी अपने अपने अगले 8वीं प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।